अगर अगर मेरी मेरी बीवी बोले ना कि बीजेपी को वोट देना है तो मैं मेरी बीवी को तलाक दे सकता हूँ, लेकिन मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। नहीं देंगे, तलाक दे देंगे। हाँ, मैं तलाक दे दूंगा उसको। पर मुझे ऐसा लगा अगर इन्होंने बीजेपी को दे दिया तो मैं इन्हें डिवोर्स दे दूंगी। देश में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है कि यदि मेरी पत्नी मुझे बीजेपी को वोट देने के लिए कहेगी तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। द नगरी न्यूज की टीम इसी घर में पहुंच गई है। अगर ये स्थिति रही बीजेपी राज में तो शायद अपने को 50 साल पीछे जाना पड़ेगा। आपने जब ये सुना कि मैं तलाक दे दूंगा अगर बीजेपी को वोट देने के लिए का, आपकी क्या प्रतिक्रिया? एक तरह से मेरे पूरे सनसनी लग गई। देश में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो में एक मतदाता ये कहता है कि यदि मेरी पत्नी मुझे बीजेपी को वोट देने के लिए कहेगी तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। ये वीडियो इस समय आग की तरह पूरे देश में वायरल हो रहा है। हर राजनीतिक पार्टी इसे अपने अपने तरीके से बीजेपी के खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है। द नगरी न्यूज की टीम इसी घर में पहुंच गई है क्योंकि ये वो जोड़ा है, आप देख सकते हैं, जिसने ये बात कही थी कि यदि मेरी बीवी मुझे बीजेपी को वोट देने के लिए कहेगी तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। जोगेंद्र मेरे साथ मौजूद हैं, आपको इनका नाम भी बता दें क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये इंसान है कौन। ये जोगेंद्र है। जोगेंद्र, क्या हुआ था ऐसा कि अचानक एक ही दिन में पूरे इंडिया में सेलिब्रिटी बन गया? ऐसा हुआ कि मैं जो राजस्थान की जो समस्याएं, जो जनता की समस्याएं, पूरे राजस्थान की समस्याएं, इनको देखते हुए हमारे बीजेपी सरकार में जो अत्याचार हो रहे हैं, जो इतने हालात इस कदर पहुंच चुके हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान जो कि निचले स्तर का, उसके इतना कि खाने के भी लाले पड़ गए और आज इस स्थिति पर पहुँच गए कि अगर ये स्थिति रही बीजेपी राज में तो शायद अपने को 50 साल पीछे जाना पड़ेगा। और देश में अपने राजस्थान में गरीबी इतनी छा गई है तो शायद कांग्रेस एक ऐसी सरकार है कि इसमें देश का विकास हुआ और कांग्रेस सरकार में लोगों को ये पता लगा कि हमें आगे कैसे बढ़ा जाएगा, कैसे ये अत्याचार रुके जाएंगे। आप ये स्पीच दे रहे थे, आपको लगा था कि मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा जो पूरे देश के लिए सनसनी बन जाएगा, सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल? नहीं, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैंने जो बोला था वो कटे सत्तू बोला था और बिल्कुल ऐसे सत्य बोला कि मुझे लगा कि इससे वास्तविकता यह है कि लोगों को पता लगे कि कांग्रेस को वोट क्यों देना चाहिए। जैसे अपने राजस्थान सरकार में इतनी योजनाएं, सात गारंटियां चला रखी है गहलोत साहब ने, इतनी योजनाएं देके देश का भला करे, एक गरीब तबके के इंसान को नीचे स्तर से ऊपर उठाना, इतने अच्छे जगह पे लेके जाना, मुफ्त इलाज होना, ये शायद गरीब आदमी की बस की बात नहीं थी, लेकिन आज गहलोत सरकार में ये लोगों को जीने का एक आसार है। जोगेंद्र की अर्धांगिनी कहें या धर्म पत्नी कहें, वो भी हमारे साथ मौजूद है। आपने जब ये सुना कि मैं तलाक दे दूंगा अगर बीजेपी को वोट देने के लिए का, आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? मेरी प्रतिक्रिया तो यही थी कि एक तरह से मेरे पूरे सनसनी लग गई। तो यही था कि इन्होंने कमिटमेंट किया कि बीजेपी को देने को कहूँगी तो मुझे डिवोर्स देंगे, और मुझे ऐसा लगा अगर इन्होंने बीजेपी को दे दिया तो मैं इन्हें डिवोर्स दे दूंगी। मतलब दोनों ही बीजेपी को अगर वोट दिया दोनों में से तो तलाक दे देंगे। यही था कि मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ये ना दे दे बीजेपी को, पर इन्होंने ऐसा सोचा कि मैं कहूंगी तो मैं क्यों कहूंगी, मैं तो वैसे ही कट्टर कांग्रेसी हूँ। आपको क्या लगता है कांग्रेस की वो कौन सी योजनाएं हैं जो आपको बहुत ज्यादा आकर्षित करी? अभी तो बहुत सी योजनाएं चल रही हैं जिसमें मुफ्त इलाज वाला है 25 लाख के बजट वाला, और जो ये महिलाओं को मुफ्त फोन का था वो, और जो ये अन्नपूर्णा योजना, इससे बहुत बहुत लाभ मिले हैं सबको, बहुत बहुत लाभ मिले। आप अगर बीजेपी को देते तो ये खुद ही आपको तलाक दे देती, जरूरत ही नहीं पड़ता? शायद दे देती अगर मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं देता तो बीजेपी को, लेकिन मुझे ऐसा नहीं था कि मैंने एक बार लगा कि शायद मेरी वाइफ है ना जो मुझे तलाक देने के लिए बोलूँगा तो कुछ गलत रिएक्ट हो जाएगा या कुछ माहौल क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा और इन्होंने मेरी बात मानी और अपने मिलने वालों को और सबको बोला कांग्रेस को ही वोट देना है। कांग्रेस सरकार में हमारे को एक आगे बढ़ने का अवसर मिला है, जैसे कि
इतनी सारी वैकेंसियाँ निकली है, लोग पेपर लीक को लेके बोलते हैं कि पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक होएगा नहीं तो क्या हुआ, 18 वैकेंसियाँ निकली, 18 प्रकार की भर्तियाँ हुई अलग अलग डिपार्टमेंटों में, तो इतना सा काम है। पेपर लीक भाजपा कार्यकाल में नहीं हुई क्या, तब भी हुए थे ऐसे? हमने भाभी से बात करना चाहूँगा, कई ऐसे मामले हमने देखे हैं कि पति पत्नी ही सामने खड़े हैं, चुनावों में भी सामने खड़े हैं, और कई बार प्रकार के विवाद भी वोटिंग को लेकर होते हैं कि मैं तो बीजेपी को दूंगी, मैं कांग्रेस में निर्दलीय। आप शादी को कितना लंबा समय हो गया है, ये जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, ये कैसा लग रहा है कि हाँ मेरे पति इस समय पूरे देश में पहचाने? बस एक इस कमिटमेंट की वजह से कि मैं मेरी बीवी को तलाक दे दूंगा अगर वो कहेगी तो, बट मेरे को नहीं कहना था। मुझे तो ऐसा था कि ये ना बोले मुझे कि तू बीजेपी को दे रही है या कांग्रेस को, ऐसा था। तो आपको लगता है कि इस बार भी कांग्रेस आ रही? बिल्कुल। आप क्या कहें? बिल्कुल कांग्रेस की 200 में से 170 सीटें आ रही है। 200 में से 170 सीटें आ रही हैं, जरूर कांग्रेस आ रही है। खैर 3 दिसंबर को ईवीएम की जब मशीन खुलेगी तो उस पिटारे से क्या निकलता है, कौन सी सरकार बनती है, तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस समय पूरे देश में एक चर्चित चेहरा है, उसका नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन द नगरी न्यूज के माध्यम से आप जान गए हैं कि वो हैं जोगेंद्र मामणिया, जो जयपुर के रहने वाले हैं। और इन पति पत्नी का प्रेम तो ये कह रहा है कि तलाक तो ये नहीं देंगे, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार जरूर बना देंगे। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं हूं ललित वर्मा।